नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज़ न्यूज़ के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरफ लॉकडाउन है, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुला हुआ है, कोई नए एपिसोड नहीं आ रहे हैं टेलीविज़न पर सीरियल्स के, और नई फिल्में तो रिलीज़ होने का कोई आप नाम ही ना ले। ऐसी परिस्थिति में जो है स्ट्रीमिंग सर्विसेज का इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ा हुआ है, और वैसी परिस्थिति में आपको हम आज बताने जा रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कौन सी ऐसी फिल्में हैं ऋतिक रोशन की जो धमाल मचा रही हैं इस समय। सबसे पहली फिल्म जो कि धमाल मचा रही है वो सुपर 30 है। आपको मालूम है कि सुपर 30 जो है आनंद कुमार, जो पटना के एक मैथ्स के टीचर हैं, उनके जीवन पर एक फिक्शनलाइज्ड कहानी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी चली ये फिल्म और बहुत ज़्यादा जनता ने पसंद भी किया। उसके अलावा जो फिल्म बहुत ज़्यादा धमाल मचाई हुई है वो है जोधा अकबर, क्योंकि जोधा अकबर का जो सेटअप है वो ऐसा है कि लोग बार बार देखना चाहते हैं, एक बार देखने से लोगों का दिल नहीं भरता है। उसके अलावा जो फिल्म सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली इस समय देखी जा रही है वो है फिज़ा। फिज़ा का जो माहौल है वो मेरे ख्याल से इस समय देश में बहुत ही एप्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अलगाववाद की बात हो रही है और यहाँ देश में भी बहुत ही टुकड़े टुकड़े चल रहे हैं सामाजिक धागे जो हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिज़ा मेरे ख्याल से दिखाई दे रही है तो बड़ी बात है। मोहनजोदड़ो जो कि सिनेमा हॉल में नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी चली थी, वो भी इस समय जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर धमाल कर रही है, लोग बार बार देख रहे हैं। और इनकी एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड फिल्म थी गुजारिश, गुजारिश फिल्म को भी आप देखिए जाकर के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स पर डिमांड है इसकी। और आखिरी फिल्म जिसके बारे में बताऊँगा वो है काबिल। काबिल का भी जो है इतना ज़्यादा इस समय मार्केट में हंगामा मचा हुआ है नेटफ्लिक्स पर ख़ास तौर पर, कि इसकी व्यूअरशिप जो है ऐसा लग रहा है कि जो व्यूअरशिप इसने थिएटर में ली थी उससे कहीं बेटर व्यूअरशिप इसको जो है मिलने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पर। इन तमाम फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है ये हमें ज़रूर लिख करके बताइएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा भाई। धन्यवाद।